माय गॉड आई हेट कार्डियो। बढ़िया, गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। कल मैंने ब्लॉग किया नहीं कुछ ज्यादा, बिकॉज ऑनेस्टली बहुत थक गया था। चेस्ट वर्कआउट था, देन उसके बाद दो बार कार्डियो। प्रीटी श्योर कल रात तक मेरे अबाउट 18,000 स्टेप्स हो गए थे एंड आई वाज जस्ट टायर्ड। मैं 8 बजे सो गया, सुबह 5 बजे उठाऊ एंड अभी जस्ट कार्डियो करके उतरा हूँ। एनीवेज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज दोपहर को आर्या के साथ एक बैक वर्कआउट लगाने वाले हैं। टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली टायर्ड बिकॉज ये वीक 50 मिनट्स कार्डियो डेली है एंड नेक्स्ट वीक 60 मिनट्स कार्डियो डेली है एंड देन वी टेक अ बिट ऑफ अ पॉज कट पे बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय दिस वेकेशन फॉर अ व्हाइल। टाइम टू गो होम एंड ईट बिकॉज बहुत भूख लगी है। अभी एक थंबनेल की फोटो लेने जाना है। मेन प्लान ये था कि आर्श के साथ फोटो लूंगा कल शाम को, रॉब भाई का कुछ रिप्लाई आया नहीं था। सो अभी फाइनली अबाउट 1.5 हफ्ते के बाद हम लोग आज ही को मिलने वाले हैं उसके ट्रिप के बारे में जानने के लिए। बट आई एक्सप्लेन यू गाइस कि मेरे को कैसा थंबनेल चाहिए। ये तेरा स्कूल का यूनिफॉर्म है भाई, इसका स्कूल चालू बेचारे का। मेरा अभी वैकेशन चालू और तेरा स्कूल। मैंने अभी पता है बैठ के 3 वीडियोस एडिट किए 3 घंटे में। सही है भाई। चल चल फटाफट फोटो लेते हैं, शाम को आ रहा है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि वीडियो का टाइटल देने वालों में गेटिंग सिनेमैटिक विद द ₹90,000 गिम्बल या समथिंग, या फिर अनबॉक्सिंग अ 90,000 गिम्बल। ये थंबनेल लिया एंड देन एडिट करके Somewhat like this. It's 12:04. हम लोगों का ओरिजिनल प्लान था आर्या को 2 बजे मिलेंगे, तो टाइम लगने वाला है अर्श की वजह से, तो 4 बजे ही मिलते हम लोग। चल फिर बाय बाय, थैंक यू। He's getting a day pass, but आज हम लोग एक रॉक बैक वर्कआउट मारने वाले हैं। मैंने सुबह को कार्डियो किया था बट एब्स ही किया था, राइट? सो आज ये तो एब्स करने वाला है। इसकी एक रील डाली थी, आज कर रहे हैं देन मून नाइट के ट्रांजिशन के बाद सीधा घर पे। कार्डियो करेगा? हाँ, अरे सच्ची भरोसा नहीं है बट ओके। एनीवे, सो एक पुलओवर की टेक्निक है। बेसिकली हम लोग पुलओवर का मेन जो गोल रहता है वो स्ट्रेच करना रहता है, राइट? तो ये रेजिस्टेंस बैंड, अगर आप यूजुअली रोप यूज करते हो तो रोप में यहाँ पे आपके टेंशन खत्म हो जाता है, तो इस पे रेजिस्टेंस बैंड ऐसे लगाने का एंड देन इसको बेसिकली एक डी बार हैंडल की तरह यूज करते हैं आप। पोर्शन इतना ज्यादा तो या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्री एग्जॉशन पुल ओवर से, देन उसके बाद मोस्टली एक लैट पुल डाउन एंड देन उसके बाद कोई रोइंग मूवमेंट। आर्या सोच रहा है कि यहाँ पे जिम में भर्ती हो जाए वो, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली ज्यादा कंटेंट हम लोगों को शूट करने मिलेगा और उसका जिम बहुत वाहियात है, तो मोस्टली वो यहाँ पे आया। बढ़िया, आई विल स्टार्ट विद प्री एग्जॉशन पुल वर्कआउट में। कैच यू गाइस थोड़े टाइम के बाद। चेंज ऑफ प्लान, आर्या को उसके कोच का मैसेज आया कि उसका आज लेग्स करना है, तो उसे बाकी 3 मूवमेंट्स की बट अभी वो स्क्वाट्स करने वाला है। सो उसका जो भी वर्कआउट है उसके चैनल पे मिल जाएगा। आई एम फिनिश अप विद बैक, मेरे को कल आर्म्स मारना है, सो मैं बाइसेप्स आज नहीं कर रहा हूँ बट मैं रेड डेल्ट्स करने वाला हूँ बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। We'll be right back.
का डन, बाकी चार एक्सरसाइजेस एक रेडल, दो सेट एब्स के सुपर सेट, वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट आई डू कार्डियो अभी बिकॉज यू हैव टू स्टिक टू द प्लान यार, दिन में 50 मिनट ये हफ्ते एंड देन नेक्स्ट वीक एक घंटा कार्डियो दिन का। वी आर डन, आर्या के साथ वर्कआउट खत्म करके मेरे को अभी मेरा चश्मा ठीक करवाना है बिकॉज ये पार्ट लकवा हो चुका है। नेक्स्ट वीकेंड से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट चलने वाला है अगले 2 महीनों तक, तो मेरे को खाने जैसा ढूंढना नहीं है। ओके ये ठीक हो गया एंड क्वाइट अमेजिंग कि कैसे लाइक लिटरली 30 सेकंड के काम को मैं 2 दिन से टेल रहा था। बट गाइस ये था आज का वीडियो, अभी आप ही एंड कर रहा हूँ। आई एम सॉरी कि ये वीडियो में ज्यादा कुछ बोला नहीं मैंने बिकॉज ऑनेस्टली रियली टायर्ड, कुछ खाने को है नहीं, 1.5 हफ्ता और थोड़ा सा कट करना है। बट आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे रिलेंटलेस बिकॉज दिस इज आवर टाइम।